भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। सुनैना चौटाला जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कंडेला के अंदर पहले भी जो जानकारी दी थी हमने, किसान महिला महापंचायत। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के, क्योंकि 100 दिन से ऊपर समय हो चुका है लेकिन सरकार अभी तक टस्सेमस नहीं कर रही है। 104 दिन हो चुके हैं बिल्कुल, और सरकार टस्सेमस, सरकार अंदर से तो हिली हुई है जी, क्योंकि जिस सरकार को उसके हल्के में उसके MLA जहाँ से वो MLA बने हैं लोग उन्हें मंजूर नहीं कर रहे हैं, लोग उन्हें जूते मार के भगा रहे हैं, तो सरकार हिली हुई है। बस उनको ये स्वीकारने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अब देखिए ये जो सरकार जो है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी कि आपने हिटलर का सुना होगा, ये फैसिज्म की तरफ जा रही है, और ये जहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है, जहाँ लोकतंत्र को दबाया जाता है वहाँ इतना आक्रोश और वहाँ विरोध होता है। तो ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है सरासर, और किसान लगातार विरोध करते रहे हैं, और अब महिलाएं भी इस विरोध में बराबर की भागीदारी निभाने जा रही हैं। इसी को लेकर आज ये महापंचायत रही है, और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि जब हरियाणा की महिलाएं उठ खड़ी होती हैं तो ऐसा कोई आंदोलन है ही नहीं कि जो जीता ना जाए। बिल्कुल, BJP के बड़े बड़े मंत्री बार बार कह रहे हैं कि राजनीति, जो विपक्ष है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहा, हालांकि खट्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया विधानसभा जो सत्र चला हुआ था, यदि कानून रद्द करने होते तो हम 2 महीने पहले ही कर देते। बिल्कुल, ये इनकी मंशा है नहीं जी। और कहते हैं ना, अभी मैंने अभी एक उदाहरण दिया था मंच से कि जब कोई मानता नहीं है तो फिर जो जनता है, अभी इन्होंने एक और कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, किसान जो विरोध कर रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं। आप पहले ये बताइए कि आप इस निंदा करने के योग्य हैं, जब आपको कोई प्रोग्राम नहीं करने दे रहा, आपको अगर आप एक आम बच्चे से पूछोगे वो मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर देगा, तो पहले आप गिरेबान में जाके अपने आप को दुरुस्त करें, उसके बाद ये निंदा प्रस्ताव जारी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इस आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा, दिखाई देगा भी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस टाइम पर चुनाव हुआ था तो उसका भी असर दिखाई दिया था किसानों का। जी बिल्कुल, देखिए ये जो किसान आंदोलन है ये न केवल हिंदुस्तान, ये पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में इस किसान आंदोलन को लेके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे जज के ऊपर, जो सेशन जज है उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गया है, और देर सवेर हमारी जीत ही होके रही। बिल्कुल, पहली बार किसान महिला महापंचायत की गई कंडेला गांव के अंदर, क्या असर पड़ने वाला सरकार के ऊपर इस चीज का? देखिए ये संवेदनहीन सरकार है, जब हमारे 200 किसान शहीद हो जाते हैं और ये संवेदनहीन लोग उनका मजाक बनाते हैं, जहाँ JP दलाल कहते हैं इन्हें तो मरना था, और वहीं ये हमारे कंवर पाल गुज्जर वो ये कहते हैं कि वो तो बुजुर्ग थे ज़्यादातर उनमें, अभी आपने विधानसभा सत्र देखा होगा वो बुजुर्ग बताते हैं, तो हमारे बुजुर्ग देवता समान है, हमारे बुजुर्ग मरने के लिए नहीं थे, लेकिन आप अपने आप को दुरुस्त करें। और जो महिलाएं हैं वो कहते हैं ना, इसीलिए आज महिला पंचायत करने पे विवश हुई है, क्योंकि जब आप ये सुन नहीं रहे तो हम अपने बच्चों को लेके, हम अपने बच्चों के निवाले के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज से और अभी से हम ये घोषणा करते हैं कि यदि ये सरकार नहीं माने तो हम अपने पशुओं को लेके, अपने बच्चों को लेके हम दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ में सुनैना चौटाला। वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए कंडेला गाँव से अपने कैमरा मैन सहयोगी के साथ मजा बार दो।